देखिए नेक्स्ट आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि इफ ए एम मतलब कि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे बाबा, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो है वो 8 है और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 5 है। हालांकि 10 तो हो ही नहीं सकता है, अर्थमेटिक मीन ही बड़ा होता है। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी होगा तो अर्थमेटिक मीन जो होगा वो या तो ज्योमेट्रिक मीन की इक्वल होगा या फिर ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो अर्थमेटिक मीन तो ऑलवेज बड़ा होगा। तो देन ऑब्टेन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अब आपको निकालना है क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका जो फॉर्म होता है, आप लोगों ने क्लास 10th में इसको पढ़ा होगा और चैप्टर नंबर आप लोगों ने 4 में पढ़ा होगा। तो चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा वहां पर कि उसका जो फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। यही होता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, बिल्कुल है ना, जहां पर कि ए और बी क्या है, इस इक्वेशन का जीरोज है। क्या है? जीरोज है। तो ए और बी क्या है? जीरोज। तो बस यहां वही कहा है, जीरोज कहिए ये रूट कहिए एक ही बात हुआ। तो यहां भी क्या है कि ए एम है रूट और ये जीएम भी क्या है? रूट है। ए एम भी है रूट और जीएम भी क्या है? रूट है। क्लियर हो गया? तो देखिए अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी बाई 2 करेंगे तो बराबर 8 आएगा, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हुआ कि रूट अंडर ए बी करेंगे तो 5 आएगा। तो अगर यहां से हम a प्लस बी को अगर निकाल लें तो ये कितना होगा? 16 है ना, और यहां से अगर इसको हम लोग रूट को अगर उस तरफ कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा। अरे बोलो, हाँ क्लियर हुआ ना। अब जो है मेरे को कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो यही होता है, हाँ ना, जो कोई भी इक्वेशन रहे वो इसी फॉर्म में निकलेगा। तो जहां पर कि जो एक्स स्क्वायर है उसको हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देते हैं माइनस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया? 16 आ गया, यहाँ 16 को पुट कर दिए, प्लस ए बी, ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 25 आ गया, इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्लियर हो गया ना? चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही फॉर्म है, किसी भी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो लास्ट में जो उसका आता है ना उसी को हम कहते हैं रूट, मतलब जो उसका वैल्यू निकलता है। जैसे कि यहाँ पे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स का जो है वो 2 वैल्यू निकलेगा। अगर कोई इक्वेशन होता है क्यूबिक इक्वेशन तो वहां पर उस एक्स का वैल्यू 3 वैल्यू निकलते हैं। अगर कोई होता है बाइक्वाड्रेटिक तो वहां पर एक्स का वैल्यू जो है वो 4 निकलते हैं। अगर कोई इक्वेशन होते हैं लीनियर तो वहां पर एक्स का वैल्यू 1 निकलता है। मतलब कि मैक्सिमम एक्स पर जितना पावर है एक्स का वो वैल्यू उतना ही निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो पावर एक्स का कितना निकलने वाला है? 2 ही निकलने वाला है। तो यहाँ पर जो है वो दोनों जीरोज को जोड़ना है और यहाँ पर दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करनी है, बाकी आपका जो है वो इक्वेशन आ जाएगा। और इस टाइप के जो है वो करीब करीब ढेर सवाल है, क्लास नंबर 10, क्लास 10 में आपका है और वो है आपका एक्सरसाइज, मैंने 4 में है, चैप्टर 4 में है और वो चैप्टर एक्सरसाइज आपका 4.1 है ना, 4.1 है, ढेरों सवाल है वहां पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, तो वहां से पढ़ के भी आए होंगे। तो ये क्या होते हैं? मेरा इक्वेशन होता है, तो बस उस पर केवल सेट कर दिए कि दोनों अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन क्या है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी बाई 2, जहां पर कि ए और बी क्या है? जीरोज इक्वेशन के, तो जीरोज सम ऑफ जीरोज इतना निकल गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इतना निकल गया। क्लियर? तो सम ऑफ जीरोज मेरे को यहां पुट करना होता है और जहां पर कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लास्ट में पुट करके आंसर मार देना होता है।